हेलो गाइस, मैं हूं अर्ष अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ऑसम प्रिंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से टी शर्ट में, वाइट टी शर्ट में प्रिंटिंग कर सकते हैं या फिर लाइट टी शर्ट में प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो आज हमारे पास स्पोर्ट्स कपड़े की ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट स्पोर्ट्स कपड़े की है, स्पोर्ट फैब्रिक है इसका। तो इस पर आज हम लोग प्रिंट करने वाले हैं इस पेपर से। एक्सीलम कंपनी का ये पेपर है, इस पेपर से हम लोग प्रिंटिंग करने वाले हैं इस टी शर्ट पे। तो बगैर आपके समय पर बात किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक प्रिंट निकालना होगा, जो कि मैं डिज़ाइन मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिए, तो वो उसको डिज़ाइन को दिखाते हैं। ये हमारी डिज़ाइन है, ये हमारी डिज़ाइन है, इसको आज हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, जो कि हनुमान जी हैं। तो ये पोर्ट्रेट फॉर्म में हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट सबसे पहले हम लोग पेपर लगा के प्रिंट निकाल लेंगे। तो इस पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इधर पे हम सेटिंग्स इसमें देख लेंगे, सेटिंग्स हमारी सही है कि नहीं है। इधर पे अपना लैंडस्केप पे है और कलर पे अपना रहना है, और बाकी सेटिंग्स हमारी ये हैं। इधर पे एक ये सेटिंग्स है, इधर पे आपका पेपर टाइप एचसन ग्लॉसी होना चाहिए। क्वालिटी आपकी मेरे हिसाब से मोर सेटिंग्स पे जाके आपको हाई पे रखनी चाहिए, और मोर ऑप्शंस में इसमें मैं हाई स्पीड का यूज़ करूँगा। हाई स्पीड का यूज़ करेंगे तब जाके 10 मिनट में प्रिंट निकलेगा। अगर आप हाई स्पीड को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कम से कम 25 मिनट में प्रिंट निकलेगा। इस चक्कर से आपको हाई स्पीड यूज़ कर लेनी चाहिए। और इधर पे हम लोग कलर करेक्शन को कस्टम पे जाके नो कलर एडजस्टमेंट पे सेट रखेंगे। और ये हमारा हाई स्पीड टिक है, और मिरर इमेज आपको ज़रूर निकालना है, और बाकी इधर पे अपना सारे सेम सेटिंग्स है, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने सेटिंग्स चेक कर लिए और अब हम लोग इसको प्रिंट दे देते हैं। बस इधर भी हम लोगों ने ये अपनी मशीन को ऑन कर दिया, तो इसका टेम्परेचर ऊपर जाने लगा। इसमें आपको 350 मिनिमम रखना है और 350 मैक्सिमम, और टाइमिंग्स 60 सेकेंड्स रहेंगे। यही हमारे मास्क प्रिंटिंग में यही टाइमिंग्स यूज़ होंगी, और क्लॉथ प्रिंटिंग में यही टाइमिंग यूज़ होती है। और बाकी विनाइल वगैरह का आगे ट्यूटोरियल साथ रहेंगे, उनको भी आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ हमारा फाइनल प्रिंट आ चुका है, इसको अब हम लोग टी शर्ट पर उतारेंगे। तो हमारी हीट प्रेस मशीन भी बीप करने लगी है, तो अब हम लोग इसको प्रिंटिंग हीट प्रेस मशीन के पास ले जाते हैं और इस पर हीट देके इसको सबमिट करते हैं। इसके हम लोग एजेस काट लेंगे, क्योंकि एजेस में कभी कभार इंक लग जाती है, इसके चक्कर से वो कहीं क्लॉथ पे ना उतर जाए, इसलिए हम लोग को एजेस वगैरह काट लेने चाहिए। जी हम दोनों एजेस काट रहे हैं, जैसे कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें शायद कैमरे में विजिबल नहीं होगा, इस पर भी इंक लगी हुई है हल्की सी किनारे पे एजेस में। अगर इसको हम डायरेक्ट गारमेंट्स के ऊपर प्रिंट कर देते तो ये हमारा जो इंक किनारे छपी होती वो भी उसमें प्रिंट हो जाती है, इसके चक्कर से वो बेकार लगता देखने में। हम एजेस काट चुके, अब इसको हम लोग हीट देते हैं। ये हम लोग टी शर्ट अपनी लगा चुके हैं, ये हम लोग ने अपनी टी शर्ट को सेट कर लिया। अब हम इस पे पेपर रखेंगे और दोनों साइड से नापेंगे इस तरीके से। मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, आप लोग स्केल वगैरह या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं सकते हैं। और इस पे मेरे पास ये डायरेक्ट मैं प्रिंट करूँगा इसको मैं इस तरीके से हल्के हाथों से दबा के प्रिंट करेंगे। और टाइमर हमारा चालू हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ये हमारी टी शर्ट में प्रिंटिंग हो चुकी है, जो कि हनुमान जी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, गजब की प्रिंट आया है और सब परफेक्ट है। ये ऐसा एक क्लॉथ है जो कि
जो ये हम लोग ने प्रिंट किया है ये कभी भी नहीं छूटेगा, धोने पे भी नहीं छूटेगा, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसी तरीके की टी शर्ट प्रिंट करना है या करवाना है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट करने वालों के लिए हम आपको लॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, और प्रिंट करवाना है जिसको तो वो हम लोगों से डायरेक्ट, हमारा महोबा में ब्रांच है तो महोबा से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। आपका ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है, शिपिंग चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप महोबा में हैं तो आपकी शिपिंग भी फ्री है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। अभी मैं कुछ दिनों के बाद विनाइल प्रिंटिंग की वीडियो भी लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल पे जरूर।